Hello dear my students, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Bangalore. Now dear my students, today video very important for those aspirants जो इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे या जो इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कर रहे या जो इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी डिग्री कर लिया या फिर जो स्टूडेंट 12th पास है एंड लुकिंग फॉर फूड टेक्नोलॉजी और बिकम अ फूड टेक्नीशियन इन यूरोप. सो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम टू बिकम अ फूड टेक्नीशियन इन जर्मनी. जर्मनी की मैं बात करने वाला हूँ और कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू. तो टिल एंड तक आपको वीडियो जरूर देखना है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ डियर माई स्टूडेंट्स, जर्मनी में एक प्रोग्राम है, जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होगा कि स्किल्ड पर्सन्स, स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. कहने का मतलब यह है कि जर्मनी अभी क्राइसिस में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए. अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोर देन 400,000 स्किल्ड पर्सन दे रिक्वायर इन जर्मनी. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल बेस्ड प्रोग्राम आउस बिल्डिंग इन फूड टेक्नीशियन टू बिकम अ फूड टेक्नीशियन, अ स्किल्ड बेस्ड पर्सन टू बिकम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड टेक्नीशियन इन जर्मनी. फूड टेक्नीशियन में बेसिकली होता क्या है, भी जो भी फूड प्रोडक्शन की जो जर्मनी में कंपनीज है या मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है, फूड सेफ्टी के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए, फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए, फूड पैकेजिंग के लिए, फूड प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है पैकेजिंग के लिए, तो टेक्नीशियन जो भी खाने में खराबी है या खाने का टेक्निकल इश्यूज क्या क्या है या उसकी क्वालिटी को, फूड क्वालिटी को कैसे आप चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें आप एज अ फूड टेक्नीशियन में जर्मनी में आप पढ़ते हो. तो जर्मनी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है टू बिकम अ रजिस्टर्ड फूड टेक्नीशियन इन जर्मनी, बिकम अ स्किल्ड पर्सन इन जर्मनी. तो जो भी कौन अप्लाई कर सकता है इस फूड टेक्नीशियन कोर्स के लिए, स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम के लिए, जो भी 12th पास स्टूडेंट है, अगर जिनका सपना है टू बिकम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड टेक्नीशियन, या फिर जो इंडिया में ऑलरेडी डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल का या 3 साल का जो भी डिप्लोमा होता है फूड टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नीशियन में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी बैचलर कर चुके हैं फूड टेक्नोलॉजी में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि ये करके अगर आप इस प्रोग्राम में भी जाते हो, अगर आप इंडिया में ग्रेजुएट भी हो फूड टेक्नोलॉजी में, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में जाने का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि पहला चीज़ तो इस प्रोग्राम के लिए आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं है, जो स्पॉन्सर प्रोग्राम रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से. दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्रोग्राम में है कि आपको कम्प्लीटली ये स्किल्ड बेस्ड पर्सन बनाएंगे, यू नो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो जॉब ये प्रोग्राम करने के बाद. तो दूसरा इम्पोर्टेंट फ़ायदा आपको इसमें ये मिलेगा कि आपको स्टाइफंड मिलता है. अब कोर्स का ड्यूरेशन जो है, जो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम हाउस बिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नीशियन टू बिकम अ फूड टेक्नीशियन, 3 साल का आपका ये प्रोग्राम रहेगा. अच्छी बात क्या है कि एक तो ट्यूशन फ़ी नहीं लग रही है, दूसरा आपको स्टाइफंड भी मिलेगा. तो अगर ट्यूशन फ़ी नहीं है फिर आप सोचोगे कि यार अब रहेंगे कैसे, ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है कि नहीं, तो इसमें ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको हर साल हर महीना स्टाइफंड मिलेगा ड्यूरिंग दिस 3 ईयर्स ऑफ पीरियड. इस 3 ईयर्स ऑफ पीरियड में आप थ्योरी भी पढ़ोगे और प्रैक्टिकल भी करोगे. तो इस फर्स्ट ईयर में आपको कितना स्टाइफंड मिल सकता है,
950 यूरो के अराउंड पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर में हर महीना स्टाइफंड मिल सकता है, सेकेंड ईयर में आपको 1050 यूरो के आसपास हर महीना स्टाइफंड मिल सकता है, थर्ड ईयर में आपको 1200 यूरो के आसपास हर महीना स्टाइफंड मिल सकता है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम रहेंगे कैसे, खाना कैसे खाएंगे, ट्रांस, तो ये सारे स्टाइफंड भी आपको एवरी मंथ मिलेंगे, तो वो चिंता भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर आप ग्रेजुएट भी हो, 12th पास हो या डिप्लोमा हो और इस कोर्स में जाते हो, तो आपको और भी स्किल्ड बेस, क्योंकि उनका सिस्टम, टेक्नोलॉजी, उनकी फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें भी तो नई है आपके लिए। तो ये 3 साल का कोर्स आप करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा, और दूसरा चीज़, आपको एक स्टेट रिकॉग्नाइज वहाँ पे डिप्लोमा मिल जाएगा, विच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज और स्पेशली इन यूरोप आप कहीं भी काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्या एज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यूजली हाउस बिल्डिंग के लिए टू बिकम अ फूड टेक्नीशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा कोई एज लिमिट तो जर्मनी में नहीं है, बट दे ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर टेकिंग अ यूथ, दोज आर बिलो 35। तो अगर आप बिलो 35 है तो आप परफेक्ट कैंडिडेट मैच होते हैं उनके लिए। एम्प्लॉयर की चॉइस होती है कि कैंडिडेट बिलो 35 रहे तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यूथ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो अगर आप बिलो 35 है तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी में टेक्नीशियन, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि ग्रेजुएशन भी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अराउंड आपको 25 साल 24 साल 26 साल में आप ग्रेजुएट बन जाते हैं। तो वो भी अगर आप हो तब भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में फिर अगर आप मास्टर्स के लिए भी जाओगे तब भी उतना ही खर्चा करना है जितना आपको इस फूड टेक्नीशियन कोर्स में जाने के लिए करना पड़ता है। तो ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जिनको ग्लोबल फूड टेक्नीशियन बनना है और स्पेशली यूरोप में सेट होना है, और जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो है जर्मनी। तो जर्मनी एक शेंगेन कंट्री है और थ्रू आउट द यूरोप आपको जाने के लिए ऑप्शंस जर्मनी में मिलता है। ऐसा नहीं कि आप जर्मनी चले गए और दूसरी कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। जब भी वहाँ पे आप 3 साल का कोर्स करके स्टेट रिकॉग्नाइज डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, आपको जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है, और स्टार्टिंग सैलरी जो है एक फूड टेक्नीशियन की इन एंड अराउंड 3000 to 4000 यूरो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। वही सेम अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको पता है कि क्या कंडीशन है। तो ये आप ऑप्शन आपके लिए बेटर चॉइस बन के आ सकता है, अगर आप 12th पास भी हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हो, या आप डिग्री होल्डर भी हो, या मास्टर होल्डर भी हो। दिस टू बिकम अ हाउस बिल्डिंग इन फूड टेक्नीशियन बहुत ही ज़्यादा यू नो अपॉर्चुनिस्टिक या अपॉर्चुनिटी देने वाला कोर्स है। बट मेन इम्पोर्टेंट इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, दिस कोर्स कम्प्लीटली इन जर्मन, तो आपको जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B1 या B2 लेवल तक आना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन बिकम अ स्टेट रिकॉग्नाइज अ फूड टेक्नीशियन इन जर्मनी, और क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और भी फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप कॉन्टेक्ट करके आप कंप्लीट अपनी करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और क्या अवेलेबल ऑप्शंस यूरोप में अवेलेबल है आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ऐसे ही मैं आपके लिए यूरोप के रिलेटेड ऑप्शंस लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।